चैनल आज मैं बनाने जा रही हूँ रवा और कम सैंडविच, क्योंकि बहुत ही यम्मी होती है और बहुत इजी होती है, इसे बनाना बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाती है। और ट्रस्ट में एकदम बहुत वाटरिंग डिश है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना और नीचे कमेंट करके बताना कि आप सबको कैसी लगी मेरी ये डिश। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। सो गाइस, हमें सूजी उत्तपम सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो सूजी चाहिए होगा। ये मैंने एक बड़ा कप सूजी लिया है और इसको फेंटने के लिए मैंने दही लिया है। इसको हम दही में ही फेंटेंगे और थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं फेंटते वक्त। और सैंडविच के लिए हमें मैंने यहाँ पे आलू बॉईल करके मैश कर लिया है इसको। और इसके लिए स्पाइसेस में हल्दी, नींबू का रस, गरम मसाला, नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर लेंगे इस स्टफिंग के लिए। और ये चीज़ है जिसको मैंने ऐसे ग्रेट कर लिया है, ये टोटली ऑप्शनल है, आपके पास है तो यूज़ करो या बिना इसके। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊँगी कैसे बनाना है। और ये टोमेटो सॉस है और ये पुदीना, हरा धनिया, लहसुन और हरी मिर्च की चटनी है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सूजी को अच्छे से फेंट लेंगे दही को, अच्छे से हम फेंट लेंगे। फिर इसमें हम सूजी को ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हम सूजी को फेंट के रख लेंगे ताकि ये जितना अच्छे से फूलेगा सूजी उतना ही अच्छा आपका सैंडविच रेडी होएगा। अभी हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे, जब बनाने का टाइम आएगा तभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इसमें हम नमक ऐड करके पहले से नहीं रख सकते। ये आप देख सकते हो सूजी अच्छे से मेरी फिट चुकी है। अभी इसको कम से कम 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। जितना अच्छे सेट होएगा उतना ही अच्छा हमारा उत्पम बनेगा। जब से ये सेट होता है तब से हम आलू का स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई रख देंगे गर्म होने के लिए, इसमें हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो अभी हम इसमें एक छोटा चम्मच राई डाल देते हैं, सॉरी जीरा। हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। हमारा जीरा हो चुका है बिल्कुल, अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना नहीं तो मसाले फट से जल जाएंगे। मिर्ची, गरम मसाला और हल्दी, इसको हम अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा। दो से तीन मिनट के लिए हम ऐसे ही भूनेंगे मसाले को। सो गाइस, हमारा मसाला रेडी हो चुका है, अब हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू को। अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, पहले आलू को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से फिर हम नमक ऐड करेंगे। हमारा मसाला रेडी हो चुका है, अभी हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक हम उतना डालेंगे क्योंकि हम सूजी का जो बैटर बना रखा है उसमें भी नमक डालेंगे और चीज़ में भी नमक होता है तो इसलिए हम थोड़ा हिसाब से नमक डालेंगे। और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
हरा धनिया भी डाल देते हैं हम भी। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हमारा स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको साइड में रख देते हैं। सो गैस अभी 20 मिनट हो चुका है। अब हम अपना बैटर देखते हैं, आप देख सकते हो अच्छे से ये फूल गया है। तो अभी हमने इसको अच्छे से फेंट लेना है, ये आप देख सकते हो सूजी सॉफ्ट कर लिया है दही को। अब हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। सूजी का हम कोई भी आइटम बना रहे हो तो जब फेंटे उसको तभी हमें उसमें नमक ऐड नहीं करना है। जब हम बनाने जाते हैं तब हमें उसे तुरंत नमक डालकर फिर बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी हमारा बैटर बहुत गाढ़ा है तो अभी हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होता है। तो गाइस हमारा बैटर अच्छे से फिट चुका है। ऐसा हमारा बैटर होना चाहिए, ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना पतला ना गाढ़ा, ताकि तवे पे डालो तो ये अच्छे से फैल जाए। इस वाले कप से 1 कप पानी लगाए। वैसे तो डिपेंड करता है कि आप सूजी कितनी क्वांटिटी में लेते हो, उस हिसाब से पानी लगेगा। बस बैटर का कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी हम इस पर एक तवा रख देते हैं गैस पे गर्म होने के लिए, हाई फ्लेम पे। सो गाइस हमारा तवा गरम हो चुका है। आप चाहो तो इस पर ऑयल लगाओ या स्किप भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा फर्स्ट टाइम एक बार हम ऑयल इस पर ग्रीस कर लेते हैं। और अब हम इस पर बैटर डाल देते हैं। बस इतना ही डालेंगे। इसको थोड़ी देर सिकने देंगे। अब आप देख सकते हैं थोड़ा हार्ड हो गया है, तो अभी हम इसके ऊपर हरी चटनी लगा देते हैं। अभी हम इसके ऊपर हरी चटनी लगा देते हैं फिर। सो गाइस अभी मेरा मसाला बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तब हम इसमें ये लेमन जूस ऐड कर देंगे। आप चाहो तो आमचूर का भी यूज़ कर सकते हो, बट लेमन जूस से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी हमारा ये मसाला रेडी हो चुका है। अभी हम इसकी थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे, तो इतना इसको हम अच्छे से ऐसे प्रेस करेंगे, टिक्की जैसा बना लेंगे हम इसको। फिर इस टाइप का, और इतना ही पतला रखेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे इसको, ऐसे ऐसे हम सारे कर बना लेते हैं। इस टाइप का हमें रखना है। इतना ही पतला और इतना ही बड़ा रखना है। सो गाइस ये हो चुका है, तो अभी हम इसके ऊपर टिक्की रख देते हैं आलू का। तो
पहला मैं आपको चीज़ का बता रही हूँ, फिर इसके ऊपर हम चीज़ डाल देंगे। चीज़ जैसा मैंने आपको बताया था टोटली ऑप्शनल है। फिर अभी हम इसके ऊपर टोमेटो सॉस लगा देंगे। इसके ऊपर हम टोमेटो सॉस लगा देते हैं। फिर हम इसके ऊपर वापस से अपना सूजी का जो बैटर है वो थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर ऐसे से डाल देंगे। थोड़ा शेप चेंज हो जाएगा बट इट्स ओके, खाना ही तो है। हर तरफ से इसको कवर कर लेंगे। थोड़ा अपने स्पैचुला से इसको अंदर की तरफ कर देते हैं, फिर थोड़ी शेप में हो जाएगी। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से हो जाए हमारी। अब हम 2 से 3 मिनट बाद देखेंगे, तो एक बार हम इसको टर्न कर देते हैं धीरे से। फिर हम वापस से डेट लगा देंगे। इसको भी हम कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से सूजी को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। 5 मिनट बाद हम एक बार लीड हटा के चेक कर लेते हैं। परफेक्ट। उस साइड दूसरी साइड से भी हम अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो हम इसको हटा देते हैं। अब प्याज का फ्लेम लो करके एक बार हम तवा पर देते हैं। अब ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक नॉर्मल करके बताती हूँ बिना चीज़ का। सेम वही तरीका है, हमें सेंटर में बैटर डालना है। थोड़ी देर हमें इसे हल्का सा सिकने देना है। ये हो हल्का सा सिक है, गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे अभी। फिर हम इस पर हरी चटनी लगा देते हैं। फिर हम इसके ऊपर वापस से आलू की टिक्की रखेंगे, इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। इसके ऊपर हम टोमेटो सॉस लगा देंगे। और हम इसके ऊपर वापस से सूजी का बैटर डाल देंगे। अब लो फ्लेम पे ही हम इसको वापस से लेट लगा के रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम इसका लेट हटा के देख लेते हैं। धीरे से हम इसको टर्न करेंगे। इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। अब वापस से डेट लगा के रख देंगे। आफ्टर 5 मिनट्स एक बार हम देख लेते हैं। परफेक्ट। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। सो गाइस हमारा सैंडविच रेडी हो गया। सबसे पहले हम इसे बीच से कट कर लेते हैं। मैं आपको बीच से कट करके दिखाती हूँ।
ये देखिए हमारा चीज़ मेल्ट हो चुका है और अच्छा लग रहा है ना दिखने में। इसको भी कट कर लेते हैं, बहुत गर्म है संभल के। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। सो गाइस, ये हमारा रेडी है उत्तपम सैंडविच, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाता है। और बच्चों को, सभी को बहुत पसंद आता है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।